मेरी प्रार्थना है कि तीनों जिला के अध्यक्ष भाई वेद फूला जी, भाई सुरेंद्र पुनिया जी, भाई जितेंद्र जी, श्रीनिवास जी गोयल, वीर कुमार जी यादव, शीशपाल जी कंबोज बड़ी माला से हमारे देश के यशस्वी और ओजस्वी प्रधानमंत्री का स्वागत करें। भारत माता की। मेरी प्रार्थना सभी विधायक आदरणीय हमारी बहन प्रेमलता, आदरणीय बलकौर सिंह जी और यहां के सांसद जनरल वत्स और कैबिनेट मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जो सांसद भी हैं, उनसे प्रार्थना है कि हल देकर किसान का जो माननीय प्रधानमंत्री जी को हल देकर उनका स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। रणवीर गंगवा जी भी उनके साथ हैं। मेरी प्रार्थना पूरे भारत में सबसे यंग प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी से कि वो मंच पर आए और अपने शब्दों से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें और हिसार और सिरसा के जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनका परिचय भी दें। आदरणीय सुभाष बराला जी, एक बार जोरदार हरियाणवी स्टाइल में देश के प्रधानमंत्री जी का, मैं हरियाणा के कोटि कोटि लोगों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जो विजय यात्रा आपकी 2013 में रेवाड़ी में माननीय आपको याद है, आप पूर्व सैनिकों की रैली में वहां आए थे और आप प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषित होने के बाद पहले कार्यक्रम में हरियाणा में आए थे और हरियाणा ने पिछली बार रिकॉर्ड 7 सीटें जीतकर आपकी झोली में डाली थी। इस बार तो पहले तो आपका केवल नाम था, इस बार देश की जनता ने, हरियाणा की जनता ने मान्यवर आपका काम भी देखा है, इसलिए आपके नाम पर, आपके काम पर और हरियाणा में जिस प्रकार की सरकार चली है उसके नाम पर 10 की 10 सीटें हरियाणा की जनता आपकी झोली में डालनी है। तो आपका स्वागत करते हुए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं, ये जनता सौभाग्यशाली है कि हमारे बीच में पहुंचे। तो मैं एक बार आपसे पहले निमंत्रण दूंगा पंजाब के उप मुख्यमंत्री माननीय सुखबीर जी, हाँ जी, माफ करना, सुखबीर जी बादल एक बार माननीय का स्वागत करेंगे। पंजाब प्रदेश के बहुत सीनियर नेता सरदार प्रकाश सिंह बादल की नीतियों को आगे बढ़ाने वाले भाई सुखबीर बादल जी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। बहुत ही सत्कार योग्य स्टेज से विराजमान देश दे बहुत ही काबिल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने नाल भारतीय जनता पार्टी हरियाणा दे प्रधान सुभाष बराला जी, मोदी साहब की कैबिनेट विच मंत्री चौधरी वीरेंद्र जी, इस लोकसभा सरसा तो उम्मीदवार सुनीता दुग्गल जी, हिसार तो उम्मीदवार चौधरी ब्रजिंदर सिंह जी, समुची श्रोमणी अकाली दल बीजेपी लीडरशिप ते हरियाणे दे सरसा जिले दे कोने कोने तो आए पतवंते सज्जनों, गज के फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 12 तरीक नूं तुसी देश दा प्रधानमंत्री चुनना, सूबे की तरक्की मुख्यमंत्री ते निर्भर है, देश की तरक्की प्रधानमंत्री ते निर्भर है। जे सही फैसला लेके
एक इमानदार हिम्मती प्रधानमंत्री चुनो ते देश तरक्की करू। जे गलती कर लो ते 5 साल बर्बाद हो जाते हैं। देश नू अज लोड़ है एक हिम्मती दलेर दूरअंदेशी फैसले करने वाला। ते वड़ी गल जी तो दुश्मन डरन ओ जा प्रधानमंत्री ते ओ जे प्रधानमंत्री कली श्री नरेंद्र मोदी जी है। कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं। मोदी साहब 15 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। गुजरात नू कित्थों तो कित्थे पहुंचा दिता। पिछले 5 साल देश के प्रधानमंत्री रहे जेड़े मुल्क अपने नाल गल्लां नहीं करते सी, आपां नू पहचानते नहीं सी। अज ओ मुल्क अपने अगे फिरदे फिरदे है। जो तरक्की पंजाब देश विच मोदी साहब के राज विच होई, जो फैसले किए, बहुत ज्यादा फैसले किए, पर 2-4 गल्लां दा जिक्र करूंगा। सब तो वड्डी गल किसान भरावां वास्ते स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की, जिहड़ी इन्नी देर की अपनी मंग सी किते किसे ने पूरी नहीं की, मोदी साहब ने आके की। जिहड़े किसान परिवार छोटे किसानों नू 6,000 रुपया देना एक इतिहासिक फैसला। तेरी गरीब जनता वास्ते 5 लाख रुपया हेल्थ इंश्योरेंस एक इतिहासिक फैसला है। पर वड्डी गल मैं सिख कौम बारे गल करना चाहना। सिख कौम नू इंसाफ मोदी साहब ने दिता। 34 साल पहले कांग्रेस के हुक्मरानों ने, गांधी परिवार ने टैंकों तोपा ते दरबार साहब हमला किया। गांधी परिवार के हुक्म से हजारों सिख भैन भरावों को कतलेआम किया। 34 साल इंसाफ नहीं मिलिया। गांधी परिवार सज्जन कुमार टाइटलर वर्गिया नू बचाउंदा रहा, पर मोदी साहब ने आके कौम नू इंसाफ दवाया। SIT बनाई ते अज सज्जन कुमार जेलां च है जिथे 34 साल वह बचिया रहा सी। दूजी वड्डी गल जिहड़ी साडी कौम दी पंजाबियों दी गुरु नानक नाम लेवा दी सारियां दी मंग सी, हर रोज दी अरदास कि करतारपुर साहब दा लांघा खोलिया जाए। मैं दिल दी गहराइयां तों सारे गुरु नानक नाम लेवा तरफों मैं धन्यवाद करना चाहना मोदी साहब का कि करतारपुर साहब का लांघा खोल दिता। जिहड़ी वड्डी गल मोदी साहब ने होर फैसला किया देन दिती है, 550 साल प्रकाश उत्सव गुरु नानक देव जी महाराज का आ रहा है, बड़ी धूमधाम नाल मनाउण का फैसला देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। लंगर दी GST माफ की, बहुत कीतां कीतियां। श्रोमणी अकाली दल BJP एक परिवार है, सब तो पुराना गठजोड़ श्रोमणी अकाली दल BJP दा है। आ जिहड़ा गठजोड़ है पंजाबियों की एकता का गठजोड़ है, देश की एकता का गठजोड़ है, पंजाब ते देश की तरक्की का गठजोड़ है। तो मैं दिल की गहराइयां तो मोदी साहब का धन्यवाद करता है कि जो उन्होंने पंजाब नूं दिता, हरियाणे नूं दिता, गरीब किसान वास्ते किया, ऐ जे फैसले अज तक इतिहास च नहीं होए। मैं श्रोमणी अकाली दल दे समूचे वर्कर नूं, सारे पंजाबियों नूं, हरियाणे वासियों नूं बेनती करना है, अपना इको एक निशाना है 12 तरीक नूं कमल दा फुल दब के मोदी साहब नूं प्रधानमंत्री बनाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं अब आमंत्रित करूंगा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और जिसके सामने सारा विपक्ष धराशायी होता है, पूरी दुनिया जिनका सम्मान करती है, ऐसे नरेंद्र मोदी जी हम सबका यहां पर संबोधित करेंगे।
जोरदार तालियों के साथ स्वागत, जोरदार तालियों के साथ। भारत माता की, भारत माता की। आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित अकाली दल के अध्यक्ष और मेरे बहुत परम मित्र पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमान सुखबीर जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेतागण, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार और विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आड़े आए सारे भाइयां और बहना ने मेरी राम राम, सत श्री अकाल, नून प्रणाम। यहां सिरसा के साथ साथ हिसार और दूसरे हिस्सों से भी बड़ी संख्या में साथी आए हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि आज गुरुओं और गुरुद्वारों की धरती में आप सभी के बीच आने का अवसर मिला है। मैं सभी संतों को और सभी गुरुओं को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, देश में वोटिंग के 5 चरण हो चुके हैं और अब स्थिति पूरी तरह साफ हो चुकी है। देश के आशीर्वाद से जब 23 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे, 23 मई तक, 23 मई शाम तक पता चल जाएगा, फिर एक बार कांग्रेस हो या फिर उसके महामिलावटी साथी, सभी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। दिल्ली में खिचड़ी वाली मजबूर सरकार बनाने के उनके सारे मंसूबे ध्वस्त हो गए हैं। साथियों, आपका ये चौकीदार देश को जिताने के लिए, भारत को विश्व शक्ति बनाने के लिए दिन रात आपकी सेवा में जुटा है। 2014 में जो मजबूत सरकार दिल्ली में आप सबके आशीर्वाद से मुझे सेवा करने का मौका मिला, उसके कारण ही दुनिया में आज हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। साथियों, मुझे बताइए कि कोई राष्ट्र अपनी रक्षा नीति को
मजबूत किए बिना विश्व शक्ति बन सकता है क्या? बन सकता है क्या? जो राष्ट्र अपनी रक्षा नहीं कर पाता, क्या दुनिया उसकी बात सुनेगी क्या? नए भारत की रक्षा नीति क्या हो, कांग्रेस या दूसरे महामिलावटी अपनी सभाओं में क्या एक बार भी उन्होंने इस विषय में एक भी बात बताई है क्या? भाइयों और बहनों, ये नहीं बताएंगे, क्योंकि इनका अतीत ऐसा है कि राष्ट्र रक्षा पर ये कुछ नहीं बोल पाते। साथियों, 2014 से पहले आए दिन पाकिस्तान हमारे जवानों के साथ बर्बरता करता था, लेकिन केंद्र में बैठी कांग्रेस की सरकार सिर्फ और सिर्फ बयान देती थी। आए दिन आतंकी हमले होते थे, लेकिन कांग्रेस की कमजोर सरकार सिर्फ और सिर्फ बयान देती थी। आपने, और मैं विशेष रूप से देशवासियों को हमेशा आदरपूर्वक स्मरण करता हूं, आपने जो मजबूत सरकार दिल्ली में बनाई, उसने अपने शूरवीरों के भुजाओं में नई ताकत दे दी, उनके हाथ खोल दिए। अब हमारे सपूत पाकिस्तान के भीतर आतंकियों के अड्डे में घुसकर मारते हैं। पहली सर्जिकल स्ट्राइक में हम जमीन से गए, और जब दूसरा स्ट्राइक किया तो एयर स्ट्राइक करके हमने दुश्मनों को घर में घुसकर मारा है। जो आतंकी कभी हमें डराते थे, वो आज दुबक करके बैठे हुए हैं। साथियों, तमाम आतंकी हमलों का गुनहगार मसूद अजहर अब ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हो चुका है। पाकिस्तान अब मजबूर है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। लेकिन भाइयों और बहनों, याद रखिए, अपनी 5-6 साल की कोशिश करने के बाद भी कांग्रेस सरकार जो काम हम कर पाए वो नहीं करवा पाए। क्यों नहीं करवा पाए? क्योंकि नीयत नहीं थी, साफ नीति नहीं थी। साथियों, हरियाणा का शायद ही कोई ऐसा घर होगा जो अपने बच्चों को देश की सेवा के लिए न भेजता हो। यहां की वीर माताएं वीर संतानों को जन्म देती है। यहां की वीर माताओं के लिए पूरे हिंदुस्तान को नाज है, और इसलिए
हरियाणा से मैं आज कुछ सीधे सवाल पूछना चाहता हूं। कांग्रेस कह रही है कि अगर दिल्ली में उसकी सरकार बनी, अब सपने देखने के लिए तो कौन मना कर सकता है भाई, लेकिन चलो वो कह रहे हैं, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, अपने ढकोसला पत्र में लिखा है, अगर दिल्ली में उनकी सरकार बनी तो जम्मू कश्मीर समेत जो हिंसा वाले इलाके हैं वहां तैनात सैनिकों से उनको जो विशेष अधिकार, एक सुरक्षा कवच मिला है फौजियों को, कांग्रेस ने कहा है आकर के उसको छीन लिया जाएगा। यानी जो पत्थरबाज है, जो आतंकवाद के समर्थक हैं, उनको खुली छूट देने का कांग्रेस सार्वजनिक रूप से बोल रही है। साथियों, भारत माता की जय बोलने पर ऐतराज जताने वाली कांग्रेस अब देशद्रोह का कानून हटाने का भी वादा कर रही है। कांग्रेस चाहती है कि टुकड़े टुकड़े गैंग को, भारत को गाली देने वालों को, तिरंगे का अपमान करने वालों, नक्सलवादियों के समर्थकों को खुली छूट मिले। मैं जरा हरियाणा के लोगों से पूछना चाहता हूं, जिस धरती में आए दिन जवान मातृभूमि के लिए शहीद होते हैं, देश के लिए मर मिटने वाले लोग जिस धरती पर पैदा होते हैं, मैं हरियाणा से पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस के ये वादे ये आपको मंजूर है? आपको मंजूर है? आपको मंजूर है? भाइयों और बहनों, हमारे घरों के जो बच्चे फौज में जाते हैं, जो अर्धसैनिक बलों में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, उनको कांग्रेस और उसके साथी किस नजर से देखते हैं? जब आप सुनोगे तो आपका गुस्सा सातवां आसमान पर जाएगा, मैं बताता हूं। इतना गुस्सा आएगा, क्योंकि ये ऐसी भाषा बोलते हैं, इतना नहीं, वो इन चीजों को मानते हैं। मैं उनके एक मुख्यमंत्री का बयान बताता हूं आपको। कर्नाटक में कांग्रेस एक सरकार चलाती है, उस सरकार के मुख्यमंत्री, जिस मुख्यमंत्री के पिताजी कुछ समय के लिए देश के प्रधानमंत्री भी थे, उस मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया, बहुत गंभीर बयान है। इस एक बयान के कारण आने वाले 100 साल तक देश कांग्रेस को स्वीकार नहीं कर सकती है, ऐसा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन युवकों को, सुनिए जरा, जिन युवकों को दो वक्त खाने के लिए रोटी नहीं मिलती है, जो भूखे होते हैं, वो पेट भरने के लिए सेना में जाते हैं। भाइयों बहनों, ये सुनकर के आपको गुस्सा आया कि नहीं आया? आपको गुस्सा आया कि नहीं आया? आप मुझे बताइए, माताएं बहनें भाइयों बहनों नौजवानों, बताइए, क्या मेरे हरियाणा का नौजवान, मेरे पंजाब का वीर पुत्र, मेरे हिमाचल के नौजवान सेना में इसलिए जाते हैं कि उनको खाने के लिए दो वक्त की रोटी नहीं मिलती?
अरे शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के लोगों, आप जिस सरकार को चलाते हो वहां का मुख्यमंत्री इस प्रकार से मेरे देश के वीरों का अपमान करता है, जो दुश्मन से देश की रक्षा करते हैं, जो मां भारती के मान सम्मान के लिए जान की बाजी लगा देते हैं, उन वीरों के बारे में कांग्रेस और उसके साथी इस प्रकार से सोचें, इससे बड़ा देश का अपमान क्या हो सकता है। इतना ही नहीं, ये कांग्रेस पार्टी हमारे देश के सेनाध्यक्ष को पब्लिकली कहते हैं ये तो गली का गुंडा, हमारे वायुसेना अध्यक्ष उनको कहते हैं कि झूठा है। ऐसा बोलकर कांग्रेस के नेता अपनी सच्चाई, भाइयों बहनों, वो बेनकाब हो चुके हैं कि किस प्रकार के लोग हैं। साथियों, इस चुनाव में आपको और उसके साथियों को इस मानसिकता की भी सजा देनी है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस कैसे देश की रक्षा करने वालों को धोखा देती है वो भी आपको याद दिलाता हूं। कांग्रेस ने आपसे वादा किया था कि वो वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे। ये वादा करते करते उसने 40 साल निकाल दिए, 4 दशक निकाल दिए। जब देश के जवानों ने, उनके परिवारों ने दबाव बनाया तो 2013-14 में चुनाव के पहले पहले जो एक अंतरिम बजट आया, उस बजट में उन्होंने 500 करोड़ रुपया रखा, बजट में कागज पे लिखा और कह दिया। कांग्रेस ने चारों तरफ ढोल पीटने लगे, उनके नामदार पूर्व सैनिकों के सम्मेलन कर करके मालाएं पहनने लगे और कहने लगे हमने वन रैंक पेंशन वालों को लागू कर दिया, वन रैंक वन पेंशन लागू कर दिया। भाइयों बहनों, ये कितना बड़ा धोखा था। उन्होंने 500 करोड़ रुपया दिया, कितना झूठ बोलने की इनकी ताकत है, वो देश की जनता को कितना मूर्ख मानते हैं। और देश के जवान जो ईमानदारी से मां भारती के लिए मरना, यही उसको सिखाया गया है, आप उसके पीठ में छुरा फोंकते हो, आप उसके आंखों में धूल झोंकते हो। भाइयों बहनों, सिर्फ 500 करोड़ देकर के बातें करने वाले लोग, और वो भी कागज पे, बजट में से तो कहीं निकला नहीं, एक नया पैसा नहीं निकला। हम आए, हमने वादा किया था हम वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे। मैंने सारी फाइलें निकाली, कागज निकाले, मैंने कहा भाई 500 करोड़ रुपए हैं इस बार दे दीजिए। जब हिसाब किताब लगाया, वन रैंक वन पेंशन के लिए जब हमने लागू किया तो अब तक 35,000 करोड़ रुपया सेना के परिवारों में हमने पहुंचाया। कहां 500 करोड़ का झूठा वादा और कहां 35,000 करोड़ रुपये दे दिए, उनके खाते में जमा हो गए। ये कितना झूठ बोलते हैं। और देश की भोली भाली जनता ने इनके इस झूठ को सच मान करके आंखें बंद करके उनके थैले भर दिए, और उसी के कारण आज देश को रोने की नौबत आई है। भाइयों, साथियों, देश की रक्षा करने वालों से झूठ बोलने, उन्हें सम्मान न देने की इसी कांग्रेसी सोच के चलते 7 दशक तक हमारे देश में नेशनल वॉर मेमोरियल भी नहीं बना। हमारे देश के जवान कहते रहे कि आजादी के बाद हमारे वीरों ने इतना बलिदान दिया है, उनका एक नेशनल वॉर मेमोरियल होना चाहिए। परिवार के कोई नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं। जो काम 70 साल तक नहीं हुआ, ये काम आपके चौकीदार ने कर दिया।
और मेरा तो हरियाणा से आग्रह है, जिन जिन गांवों में आजादी के बाद जो भी शहीद हुए हैं उनके परिवारजनों को लेकर के उस गांव के लोगों ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर जाना चाहिए और अपने गांव के जो वीर शहीद है उसके नाम के सामने एक फूल चढ़ाकर आपको भी आना चाहिए। ये मेरी हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के लोगों से विशेष प्रार्थना है, क्योंकि ये इलाका है जिसने देश के लिए बहुत बलिदान दिए हैं। भाइयों बहनों, और एक बात, कभी कभी हम लोग मानसिक अवस्था के कारण ये जो पुलिस के जवान खड़े हैं ना, उनको अपमानित करते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं। सिनेमा वाले भी सिनेमा बनाएंगे तो पुलिस वाले को सबसे भद्दा बताते हैं। इतना देश का नुकसान हुआ है और एक सत्य कभी बाहर नहीं आया। मुझे इसकी बड़ा दर्द होता था जी, और इसलिए मैंने लाल किले से एक बार बोल दिया था, आप जान करके हैरान हो जाएंगे। कभी कभी हमें पुलिस वालों से भिड़ जाते हैं, लेकिन कभी सोचा है ठंड हो पुलिस वाला खड़ा है, कितनी ही गर्मी हो पुलिस वाला खड़ा है, राखी का त्योहार है पुलिस वाला खड़ा है, घर में शादी ब्याह है वो ड्यूटी पे गया हुआ है। हम इन चीजों को ध्यान ही नहीं देते हैं। इससे भी बढ़कर हम सामान्य लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बचाने के लिए, हमारा मोबाइल फोन चोरी हो जाए तो हम तो जाके सो जाते हैं, वो बेचारा जाग करके मोबाइल फोन कैसे वापस लाओ इसके लिए दौड़ा धूप करता है। हमारी रक्षा के लिए आजादी 33,000 पुलिस वाले शहीद हुए, वो कहते रहे कि एक नेशनल पुलिस मेमोरियल बनना चाहिए। ये कांग्रेस लोगों ने, इनके महामिलावटियों ने पुलिस के कंधों पर बंदूकें तो बहुत फोड़ी लेकिन उनको सम्मान नहीं दिया। ये काम भी इस चौकीदार ने किया है। पुलिसों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए मैं पूरी ताकत से लगा हुआ हूं, और उसके लिए भी मैं हरियाणा के लोगों को कहूंगा कि आपके क्षेत्र के भी आजादी के बाद कई पुलिस जवान शहीद हुए हैं, आपने जाना चाहिए, जाकर के उन पुलिस के परिवारों को आपने जरूर एक फूल चढ़ा के आना चाहिए। भाइयों और बहनों, कांग्रेस को ना तो जवानों के सम्मान की फिक्र है और कभी रही, और ना ही किसानों के सम्मान की। इन्होंने तो किसानों की जमीन पर भी भ्रष्टाचार की खेती की है, सबूत देश के सामने है, सबूत हरियाणा के सामने है। हरियाणा और दिल्ली में जब भी कांग्रेस की सरकार थी तब कैसे कौड़ियों के भाव पर किसानों की जमीन हथियाने का खेल खेला गया, आप सभी जानते हैं। आप सभी के आशीर्वाद से किसानों को लूटने वालों को ये चौकीदार कोर्ट तक ले गया है। जमानत के लिए चक्कर काट रहे हैं, ईडी के दफ्तर के जूते घस रहे हैं जी। वो मानते थे हम तो शहंशाह है, हमको कोई हाथ नहीं लगा सकता, और अब पीड़ा हो रही है। एक चाय वाला अब परेशान है। भाइयों बहनों, जेल के दरवाजे तक तो ले गया हूं, इस बार आशीर्वाद दीजिए, आने वाले 5 साल के अंदर अंदर कर दूंगा जी। आपके आशीर्वाद चाहिए बस। देश को जिन्होंने लूटा है उनको लौटाना ही पड़ेगा।
साथियों, भाजपा की सरकार देश के किसान के लिए, देश के जवान के सम्मान के लिए समर्पित है। किसानों के हक के लिए आवाज उठाने वाले भारत की कृषि नीति और अपनी छाप छोड़ने वाले सर छोटू राम जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य मुझे कुछ महीने पहले ही मिला था साथियों। लेकिन यहां इसी धरती से कुछ हफ्ते पहले सार्वजनिक मंच से एक नेता ने कहा कि जो भी देश के गद्दार है उन्हें अंग्रेजों ने सर की उभाती दी थी। भाइयों बहनों, उसके बाद उनके एक और बड़े नेता ने इसका समर्थन किया। क्या मेरे हरियाणा के लोग सर छोटू राम के इस अपमान को बर्दाश्त करेंगे? सर छोटू राम के इस अपमान को बदनाम करेंगे? सर छोटू राम के इस अपमान को बदनाम कर अब स्वीकार करेंगे क्या? अरे सर छोटू राम जैसे हमारे नायकों के आशीर्वाद से ही हम 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प पूरा करने वाले। पीएम किसान सम्मान निधि से छोटे किसानों के बैंक खाते तक सीधी मदद पहुंचनी शुरू हो चुकी है। हमने ये संकल्प लिया है कि 23 मई को जब चुनाव के नतीजे आएंगे, जब फिर एक बार तब हरियाणा के हर किसान परिवार के खाते में हर वर्ष साल में 3 बार सीधी मदद पहुंचेगी। इतना ही नहीं, जो छोटे किसान हैं, खेत मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनको 60 साल के बाद नियमित पेंशन भी मिलेगी। साथियों, किसान की खेती पर लागत कम हो इसके लिए भंडारण की एक बहुत बड़ी व्यवस्था हम खड़ी करने वाले हैं। गांव के पास ही किसान अपनी उपज का भंडारण कर पाए इसके लिए ग्राम भंडारण योजना पर विस्तार से काम किया जाएगा। अन्नदाता अब ऊर्जादाता भी बने इसके लिए डीजल पंपों को सोलार एनर्जी से चलने वाले सौर पंपों में बदलने का व्यापक अभियान हमने छेड़ा है। भाइयों और बहनों, एक तरफ किसानों के हितों के लिए जहां पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने झूठ और धोखे की नीति अपना रखी है। कर्ज माफी के नाम पर उसने राजस्थान में, मध्य प्रदेश में किसानों के साथ कैसे छलावा किया, कैसे उनको छला है, अब इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। वहीं स्थिति यह है कि किसानों को कोर्ट से नोटिस मिल रहे हैं और उन्हें जेल जाने की नौबत आ गई है। साथियों, जब वजूद खतरे में पड़ जाता है तब झूठ, प्रपंच और समाज में बंटवारे का खेल, ये कांग्रेस का पुरानी आदत है। कांग्रेस के राज में समाज का कोई भी वर्ग सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस न्याय की बात करती है, लेकिन यहां आपने खुद देखा है कि दलित वर्ग से आने वाले अपने अध्यक्ष तक को वो इंसाफ नहीं दिला पाई। साथियों, कांग्रेस की एक और करतूत के बारे में यहां के युवा साथियों को जानना जरूरी है। 1984 में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे हजारों सिख बहन भाई छोटे छोटे बच्चों को कांग्रेस परिवार और उसके दरबारियों के इशारों पर हत्या की गई, बेरहमी से उनको मारा गया। 34 सालों तक दर्जन भर आयोग बने, लेकिन सिखों को इंसाफ नहीं मिला। आपके इस चौकीदार ने सिख समाज से, देश से 84 के गुनहगारों को सजा देने का वादा किया था। मुझे संतोष है कि सिखों के गुनहगारों को फांसी और उम्र कैद मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है।
लेकिन ये बेशर्म कांग्रेस उन लोगों को आज भी इनाम दे रही है जो उस पाप में हिस्सेदार रहे हैं। सिख दंगों में जिस पर सवाल उठे हो उसे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि उसे आपकी भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस का इतिहास ही आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करने का है, करना वरना कोई वजह नहीं थी कि आज हमारा पवित्र स्थान हमारे करतारपुर साहिब आज पाकिस्तान में है। बंटवारे के समय थोड़ा भी जोर लगाया जाता तो करतारपुर साहब आज भारत की धरती में होते। मैं अपने इन गुरु के दर्शन के लिए सीमा पार करने का और आने जाने का, भाइयों बहनों एक सिलसिला कैसे शुरू हो हम आगे बढ़े हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस के इस अन्याय को सुधारना मुश्किल है, लेकिन हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि करतारपुर साहब का दर्शन करने जो भक्त जाते हैं उन्हें तकलीफ ना हो। इसके लिए करतारपुर साहब कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। साथियों, सबको सुरक्षा सबको सम्मान ये हमारा प्राण है। बीते 5 वर्षों में गरीब हो, दलित हो, वंचित हो, पीड़ित हो, हर वर्ग के लिए हमने काम किया है। गरीब को अपना पक्का घर, घर में गैस का चूल्हा, बिजली का कनेक्शन, शौचालय, ऐसी अनेक सुविधाएं पहुंचाई है। यही कारण है कि समाज के हर वर्ग का मुझे भरपूर साथ और सहयोग मिला है। विशेष तौर पर जो साफ सफाई के काम से जुड़े मेरे साथी हैं उनके सहयोग के बिना स्वच्छ भारत अभियान जैसा मिशन इतना सफल नहीं हो पाता। मुझे बताया गया है कि हम मनोहरलाल जी ने हरियाणा में जो भर्ती अभियान शुरू किया था वो भी बहुत सफल रहा है। जहां पहले हर भर्ती में घोटाले हो जाते हो, वहां इतनी पारदर्शिता के साथ ईमानदारी के साथ हरियाणा के नौजवानों को नौकरियां देना हरियाणा की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार, भाजपा की सरकार अनेक अनेक साधुवाद के अधिकारी है। साथियों, एक मजबूत भारत के लिए, एक समृद्ध भारत के लिए आपको हरियाणा की सभी सीटों पर कमल खिलाना है। आपका एक एक वोट मोदी के खाते में आएगा। दिल्ली में एक मजबूत सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, तो मुझे भी आपकी सेवा के लिए खुलकर काम करने का अवसर मिलेगा। एक बार फिर आप सभी का इतनी बड़ी तादाद में आकर के हम सबको आशीर्वाद देने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके, मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलना है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार